गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में EVS का चैप्टर नंबर 12 वाटर इज लाइफ की आज आपको रीडिंग स्टार्ट कर पाएंगे। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 75 ओपन करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसे रीड करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर है 12, वाटर इज लाइफ यानी जल ही जीवन है। वाटर इज़ क्लियरली ए मिस्ट्री टू मी, पानी जो है वो सच में एक मेरे लिए मिस्ट्री यानी रहस्य है। ए सॉलिड, ए लिक्विड, ए गैस, क्या वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है? इट्स ऑल थ्री, वो तीनों है। फ्रीज इट, वॉर्म इट, बॉइल इट टू सी, वाटर इज़ ए मिस्ट्री टू मी। उसे जमा दो, गर्म कर लो, उबाल लो, पानी है मेरे लिए रहस्य। एमी लॉजिंग, ये एमी लॉजिंग ने कहा था। वाटर यानी कि पानी। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि पृथ्वी का, अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर्ड है, ढका हुआ है। दिस इज वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए अर्थ को यानी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन 3 or 4 days, यानी कि बिना पानी के हम 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। अगर हमें 3-4 दिन तक पानी ना मिले तो हम लोग मर जाएंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, जानवरों को और पेड़ पौधों वगैरह को भी अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नीड मतलब ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की हर बूंद प्रीशियस, प्रीशियस यानी कीमती है, पानी की हर बूंद काफ़ी कीमती है। स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब यानी कि पानी की अवस्था। वाटर एग्जिस्ट इन 3 states, यानी जो पानी है वो 3 अवस्थाओं में, स्टेट्स यानी अवस्थाओं में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सॉलिड यानी कि सख्त, लिक्विड तरल वाली और गैस हवा, तीनों के उसमें स्टेट्स में मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, क्या आप पानी की अलग अलग अवस्थाओं के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर यानी पानी के सोत्र। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, यानी जो पानी है वो पृथ्वी पे अलग अलग उसमें समुद्र के रूप में है या नदी के रूप में है, तालाब के रूप में है और या फिर किसी पॉन्ड के रूप में है, ऐसे ही अलग अलग तरीके से पानी हमारी पृथ्वी पे प्रेजेंट है, प्रस्तुत है। इट इज़ कॉल्ड सरफेस वाटर, इन सबको हम सरफेस वाटर कहते हैं। वाटर इन द ओशियंस एंड सीज इज़ वेरी सॉल्टी, यानी कि समुद्र और जो वगैरह सीज का पानी है वो काफ़ी सॉल्टी यानी नमकीन है, नमक वाला पानी है। सो इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए ये पीने योग्य नहीं है। रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स हैव फ्रेश वाटर विच इज़ ड्रिंकेबल, यानी नदी का पानी, तालाब वगैरह का जो पानी है वो पीने लायक है क्योंकि वो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी होता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पे पानी का जो सबसे मेन, सबसे अहम सोर्स, सोत्र है वो है रेन यानी कि बारिश। सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रीचेस बिलो द सॉइल, कुछ जो पानी है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और उससे फिर वो मिट्टी तक पहुंचता है। इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। इट कैन बी ड्रॉन आउट बाय डिगिंग वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूब वेल्स, जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसे हम कुएँ खोद के या फिर हैंडपम्प्स लगा के या फिर ट्यूबवेल वगैरह की मदद से बाहर खींच सकते हैं। द ड्रिंकेबल वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक्स,
यानी कि जो पीने वाला पानी, जैसे कि रिवर्स का, नदी तालाब वगैरह का जो पानी है, उस जो कि उसे जो है हम या तो हम अंडरग्राउंड या ज़मीन के नीचे स्टोर करते हैं, या फिर कुछ जो ऊपर जो हम टंकी वगैरह टैंक्स वगैरह लगाते हैं बड़े बड़े, उनमें स्टोर करते हैं। थ्रू पाइपलाइंस दिस वाटर रीचेज आवर होम्स एंड कम्स आउट ऑफ द टैप्स। पाइपलाइंस की मदद से ये जो पानी है ये हमारे घरों में आता है और घरों में नलों में आता है, नल की मदद से हम ये पानी प्राप्त कर पाते हैं। बट दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पर लेकिन ये जो पानी है ये पीने योग्य नहीं है। इट हैज़ सम इम्प्योरिटीज एंड जम्स, इसमें कुछ अशुद्धि और कीटाणु होते हैं। इट इज़ मेड पोर्टेबल और फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग वेरियस वाटर प्योरीफायर, इसे हम पीने योग्य अलग अलग वाटर प्योरीफायर यानी पानी साफ करने वाली मशीनों के द्वारा बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो बॉयल वाटर एज बॉयलिंग किल्स जम्स, हम पानी को उबाल भी सकते हैं क्योंकि पानी उबालने से उसके जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। ये आपको कुछ वाटर प्योरीफायर्स दे रखे हैं, RO हो गया, कैंट, ये सारे वाटर प्योरीफायर्स हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 12 वाटर इज लाइफ। जितना चैप्टर आज आपको करा दिया गया है उतना चैप्टर आपको खुद से रीड करना है। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।